Lovely people, welcome back to my channel. I'm your Shri here, and I really hope that you guys are doing really well. So in this video, I'm gonna share with you this super easy and super scary Halloween makeup look. थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके मैंने इसे स्कैरी बना दिया है एंड आई रियली होप आपको पसंद आया होगा. एक्चुअली मैंने ना हलोइन मेकअप कभी पहले ट्राई नहीं किया है, सो आई थॉट कि मैं इजी से स्टार्ट करती हूँ. सो या हियर इज़ माय हलोइन मेकअप लुक एंड आई रियली होप आपको पसंद आ रहा होगा एंड आपको थोड़ा सा डर लगा होगा. ओके, सो अगर आपको जानना है आप इस तरह सुपर ईजी हलोइन मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो, देन प्लीज़ 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 कीप ऑन वॉचिंग. एंड हाँ, इस बार ना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि ये लुक आपको कैसा लगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी बेस मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ विद माय प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, क्रीम कंटूर एंड कॉम्पैक्ट. आप सबको पता ही है हम कैसे बेस मेकअप करते हैं. सो मैंने इसे बहुत स्पीड में डाल दिया है, क्लिप को छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैंने डाल दिया है. जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ सबका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो ओके, माय बेस मेकअप इज़ कम्प्लीटली रेडी नाउ. ओके, सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा हलोइन मेकअप. आर यू रेडी? वीडियो देख रहे हो यानी कि रेडी हो. चलो स्टार्ट करते हैं. सो मैंने लिया था मेरा वेट एंड वाइल्ड का शैडो पैलेट, उसमें से मैंने लिया है ये ब्लैक शेड. उसी को लेकर मैं अपनी पूरी आईलिड पे ट्रांजिशन पे भर भर के अप्लाई कर लूँगी. जैसे हम कोई लाइट शेड अप्लाई करते हैं ना ट्रांजिशन पे, मैं सीधा ब्लैक कलर को लेकर ही अप्लाई कर रही हूँ. सो मैं थोड़ा सा विंग में निकालूंगी. एक फ्लपी ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया था, उसी से मैं ब्लैक शेड को अच्छे से ब्लेंड करूँगी इनर कॉर्नर से लेकर आउटर तक. एंड मैंने छोटा सा विंग में निकाला है, छोटा सा नहीं एक्चुअली ये बड़ा होने वाला है. ओके, सो ऐसे मैं विंग निकालूंगी एंड ब्लैक शेड को जितना हो सकता है मैं उसे डीप करूँगी. लाइक पहले लाइट लाइट लेकर मैं उसे डीप करती जाऊँगी. ओके, पूरा एक ब्लैक आई बेस में क्रिएट करूँगी. ओके, सो आप देख सकते हो मैंने एकदम ब्लैक बेस रेडी कर लिया है. देन सेम पैलेट से मैंने लिया था ये सिमर शेड. ये थोड़ा सा ना लाइक कौन सा कलर है, ये ब्राउन काइंड ऑफ कलर है, ये शिमर है, शिमर आशाडो. इसी को लेकर मैं जैसा हम कट क्रीज करते हैं ना एक ब्रश के हेल्प से, मैंने वैसे अप्लाई कर लिया है. देन मैं मिडल पे गोल्डन आई शेडो को अप्लाई करा है फिंगर के हेल्प से. एंड देन मैं हार्श लाइन जो भी होगा मैं उसे ब्लेंड आउट अच्छे से कर लूँगी. एंड देन मैंने सेम ब्लैक शेडो को लेकर अपनी नोज को कॉन्टूर करा है. यार स्कैरी बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, सो मैंने ब्लैक कलर को लेकर ही अपनी नोज़ को कॉन्टूर कर लिया है ऐसे. ओके, सो वो ब्लैक शेड को मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगी, उतना ज़्यादा हैवी नहीं रखूँगी. देन मैंने नोज़ के टिप पे थोड़ा सा अप्लाई करा है ब्लैक शेड को. फ़नी नहीं लग रहा? फ़नी लगेगा बट लास्टली आपको डर ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों को डर लगा है, उन्होंने मुझे बोला है. सो देन मैं ब्लैक शेड को लेकर थोड़ी सी अपनी
लोअर लिप्स के अराउंड मैंने अप्लाई करा है लाइक दिस, स्मज कर लूँगी। देन मैंने लिया था ये वाइट शेड एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से, उसे मैं लोअर लैश लाइन की, आईज की लैश लाइन की क्लोज अप्लाई करूँगी लाइक दिस, ताकि आईज को ना एक मेरे पास कोई न्यूड काजल नहीं था दोस्तों, मैं ऐसे ही अप्लाई कर लेती हूँ। सो देन मैंने जैकलिन हिल पैलेट से लिया था रेड कलर का शेड, क्योंकि रेड के बिना स्कैरी मेकअप कैसे पॉसिबल है, नहीं है। सो रेड शेड को लेकर मैं अपनी लोअर लैशेस पे, आईज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, स्मच कर लूँगी, लाइक थोड़ा सा पिगमेंटेड रखूँगी मैं। एंड मैं वो ब्लैक विंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड देन मैंने लिया था वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट से ग्रे कलर का शेड, जो कि आईब्रो के साथ परफेक्टली फिट हो जाता है मेरा। तो उसी को लेकर मैं अपनी हाफ आईब्रो को पहले फिल कर रही हूँ आउटर से। देन मैंने लिया था रेड शेड, उसे मैं फिल करूँगी अपनी आईब्रोज की जो ये वाला पार्ट है, मैं उसी को फील कर लूँगी रेड शेड से। देन मैं स्पूली की हेल्प से कॉम कर लूँगी, ताकि जो प्रोडक्ट्स मैंने अप्लाई करा है वो आपस में मिल जाए एंड मेरी आईब्रो अच्छा लगे, स्कैरी लगे, क्योंकि रेड एंड रेड का कॉम्बिनेशन है आईब्रो पे, सो आईब्रो वैसे ही नॉर्मल तो नहीं दिखने वाला। सो देन मैंने लिया था कॉन्टोर शेड फ्रॉम माई सिवाना पैलेट। सो मैंने जहाँ जहाँ क्रीम कॉन्टोर करा था पहले, मैं उस एरिया को सेट कर लूँगी। मैंने क्रीम कॉन्टोर करा था अपने चिक्स को एंड जॉ लाइन को पास। ओके, सो देन मैंने लिया था ब्लैक शेड, ब्लैक को मैंने मिक्स करा था थोड़ा थोड़ा लेकर। मैं अपनी जहाँ जहाँ मैंने पाउडर कॉन्टोर अप्लाई करा है उसी को फॉलो करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी। लाइटली मैं ब्लेंड करूँगी जैसे एक शेप आ जाए फेस का प्रॉपर। एंड ओके, सो जॉ लाइन पे मैंने ऐसे करा है लाइक थोड़ा सा ऊपर से ईयर के, सॉरी आई मीन थोड़ा सा ना, जैसा आप देख सकते हो यार, आई मीन कानों के एकदम नीचे से मैं लाई हूँ कॉन्टोर को, ब्लैक शेड को, एंड उसी से मैंने अपनी चिक्स को, जॉ लाइन को ऐसे शेप दे दिया है। सो देन हाइलाइटर भी मैंने अप्लाई कर लिया है पूरी ब्राउ बोन में, भर भर के हाइलाइटर। सो देन मस्कारा के लिए यहाँ पर मैंने लिया था कौन सा था, ब्लू हेवन का वॉकरी मस्कारा। ओके, सो मस्कारा मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी लोअर लैशेस पे एंड अपर लैशेस पे। ओके, सो देन अगेन मैंने लिया था गोल्डन एंड सिल्वर हाइलाइटिंग शेड, दोनों को मिक्स करके मैं अपनी आईज के इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी, टिप ऑफ द नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी। देन मैंने लिया था शुगर का ब्लश एंड उसी को मैं कॉन्टोर के साथ ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लूँगी अपनी पूरी अपलब्ध चिक्स पे। ये उतना ज़्यादा कैमरे पे पिक नहीं हो रहा था बट स्टिल सॉरी बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड था एंड परफेक्टली मैच हो रहा था। सो देन मैंने सिल्वर हाइलाइटिंग शेड लिया था, उसी को मैं अपनी चिक बोन को भर भर के हाईलाइट कर लूँगी, क्योंकि अगर आप भूतनी बन रहे हो ना देन भर भर के हाईलाइट लगा लो, अगर रात में निकलोगे तो वो चमकेगा तो लोगों को वैसे ही डर लगेगा। हम लोगों को डराने के लिए भूतनी बनते हैं ना, सो हाईलाइटर अप्लाई कर लो। सो मैं अपनी नोज़ पे, क्यूपिड बो पे, फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी, चिन्स पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन हमारा मेकअप लुक कम्प्लीट होता है, नहीं होता है विदाउट रेड लिपस्टिक के कंप्लीट नहीं होने वाला। सो यहाँ पर मैंने लिया था साइज स्टाइल द मेकअप स्टोरी लिक्विड लिपस्टिक, ये बहुत ज़्यादा डार्क रेड शेड है ये। सो इसी को मैं अप्लाई कर लूँगी लिप्स पे, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं इसे क्या कहते हैं माउस से एक लाइन ड्रॉ करूँगी जहाँ से हमारी स्पाइन लाइन होती है ना, वहीं से ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगी दोनों साइड से, ताकि थोड़ा सा स्कैरी लगे, जोकर टाइप का स्कैरी हेलोवीन मेकअप लुक। ओके, सो
ऐसा अप्लाई करने के बाद मैंने बाद में ना उसे थोड़ा सा लॉन्ग बना दिया था। सो देन मैंने लिया था ब्लैक शेड और उसी को मैं अपनी वो जो लाइन को लाइन पे अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, देन लिप्स पे ऐसे बाहर की तरफ मैंने अप्लाई कर लिया है ताकि थोड़ा रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो थोड़ा सा स्कैरी होता है तो अच्छा लुक देगा हेलोइन मेकअप लुक को। सो ऐसे मैंने अप्लाई कर लिया है एज यू कैन सी। एंड देन मैंने फॉल्सेस लिया है एंड फॉल्सेस को ना मैंने कट कर लिया था, मैं बस उसे आउटर्स अप्लाई कर ली हूँ। जैसे हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं ना फॉल्सेस वैसा नहीं, मैं आउटर से ही अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। सो आई रियली होप आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा एंड आपको थोड़ा सा डर भी लगा होगा। लगा है ना झूठ मत बोलना, अगर लगा है ना देन प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैं कैसी लग रही हूँ, स्कैरी लग रही हूँ या जोकर लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया है ना देन बिना लाइक करे आगे जाना नहीं, ठीक है। एंड अगर चैनल पे न्यू आए हो देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्चुअली हिट करते हैं क्योंकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तो आप सारे वीडियोस देख सकोगे। ओके सो अगर वीडियो पसंद आया है ना, और भी एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना है अपनी सारे दोस्त और फैमिली के साथ ताकि सब इस जोकर या स्कैरी लुक को देख के थोड़ा सा हंस सके या डर भी सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून विद न्यू अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।